पैकिंग शुरू हो गई है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अपने घर चले आए बाबू, नानी घर से चले चले चलो अपने घर चलोगे। ये दोनों दूल्हा दुल्हन कौन वाली है लीलगाई, जो हम नहीं हो पा रही है ना। इधर आ, इधर आना सारे लोग। जा रहे सारे लोग पिड़िया में, मटिकोड़ा है आज। डांस करो, डांस करो। हाँ डांस करो, डांस करो। हमारी पैकिंग शुरू हो गई है, अब मैं चली अपने ससुराल। क्या है अंजलि, तुम क्या कर रही हो? गोद ही ले लो, बाबू रो रहे हैं। अपने घर चले, चल अपने घर चले, चलो चलो अपने घर आ गए तुम दोनों, अच्छा लग रहा है। हम अपने घर चले आए, ससुराल चले आए ना हम। आ चुके हैं अपने ससुराल, देख सकते हैं बहुत ज्यादा ठंडी लगी, इतना ठंडी की क्या बात है। दोनों बच्चे आते हैं टीवी में लग गए देखने के लिए। शुरू हो गया गुड्डा पे कैसे उठो, वो भी रो रहा है। घर आते ही लोग की मस्ती शुरू हो गई। हाँ बाबू रो रहे हैं ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम भी अच्छे हैं, और दोस्तों हम आ चुके हैं अपने ससुराल। हम सुबह ही लगभग सुबह 9 बजे ही निकले थे, और आने में हमें लग रहा है कि 12 बज गया है। तो हेलो दोस्तों, हम अपने ससुराल आ चुके, बहुत दिन 1 महीना हो गया तो मुझे अपने मायके गए हुए, और ये बार बार फ़ोन कर रहे थे कि घर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी जो हम लोग बोए हुए हैं सारा नुकसान ही हो रहा था, और इनका ड्यूटी भी चालू हो गया था। तो देर ही रुक जा, इसीलिए मुझे घर आना जरूरी है यहाँ पे ससुराल में। मैं तो सोची थी 2-3 दिन और रुक जाती, क्योंकि वहाँ पे एक हमारे गांव में, कैसे हमारे गांव में क्या सारे गांव में ऐसा होता है, जो पीढ़िया होते हैं ना, तो पीढ़िया कपड़ा चाहिए था मुझे, क्योंकि हमारे बच्चे लोग लड़ाई कर रहे हैं। आ जाओ, क्या तुम कहे उसे झगड़ा करती, लड़ाई झगड़ा ना कभी खत्म नहीं होती वहाँ पर भी, इतना परेशान कर रही थी। मुंह बंद करो, पहले मुंह बंद करो, अभी दे रही हूँ ना, कितना तुमको प्यास लगी है, अभी दे रही हूँ ना, जा रही इसको पानी दे रही। एक ही मिनट में इतने तेज इसको प्यास लगता है, उतना ही तेज उसका प्यास लगता है, तो दोनों हमें इतना परेशान कर रखे हैं, लेकिन क्या बताएं। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो में कर दूंगी एंड, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। मैं आप लोग से और भी बातें करती, लेकिन क्या मैं बातें कर रही हूं, बच्चे हैं ना तो बात करने ही नहीं देंगे आप लोगों से। तो ये भी मैं कर रही हूँ वीडियो एंड। दोस्तों मैं जब यहाँ आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे मायके में इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने लोग हैं कि वहाँ पे मतलब हमेशा शोर ही रहता है, शोर मतलब हलचल शोर रहता है, कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी शांत नहीं, कभी मतलब वहाँ पे जगह जो माहौल होता है ना, कभी शांत नहीं रहता, हमेशा शोर शराबा ही रहता है। और यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो बस हम ही लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एकदम शांति शांति रहता है। तो वहाँ पर जब मैं जाती हूँ तो यहाँ आने का मन नहीं करता, और जब मैं यहाँ पे रह जाती हूँ तो फिर जब जाती हूँ ना तो जैसे लगता है वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस बार बहुत दिन बाद आई हूँ अपने ससुराल, मैं बीच में भी गई थी तो मैं उतना दिन नहीं रही थी जितना इस बार मैं गई थी, तो पूरे 1 महीने रहकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं बातें ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि इसको लगी है प्यास, और देखिए मेरा बाबू भी उधर चिल्ला रहे हैं। तब तक के लिए हम अपनी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बाय।